क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम फॉइल को फूड आइटम को रैप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका कारण यह है कि एल्यूमिनियम इज अ मेटल और मेटल्स मैलिएबल होते हैं, यानी कि मैलिएबल होते हैं। इसका मतलब है कि मेटल्स को अगर आप हैमर से बीट करोगे तो एक मेटल का पीस एक थिन शीट बना सकता है जिसमें हम खाने को रैप कर सकते हैं। इमर्शन रॉड यानी कि पानी गर्म करने की रॉड से हम लिक्विड को हीट कर सकते हैं और ये मेटल से बनती है। क्यों? मेटल्स जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। इस वजह से हमारी जो रॉड्स होती हैं वो मेटल की बनती हैं और उसे हम खाना गर्म कर सकते हैं, लिक पानी गर्म कर सकते हैं। कॉपर कैनॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। तो अगर हमने, आप देखेंगे, आपको याद होगा कि कॉपर को अगर आप जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे दे विल बी नो रिएक्शन। इसका कारण क्या है कि कॉपर जो होता है इट इज़ लेस रिएक्टिव देन जिंक। कॉपर बहुत कम रिएक्टिव है तो ये जिंक को उसकी जगह से नहीं हटा सकता है। इट इज़ ओनली द मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हिला सकता है। नेक्स्ट, सोडियम एंड पोटाशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। आपको याद होना चाहिए सोडियम पोटाशियम दोनों मेटल्स हैं एंड दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ये वाटर के साथ भी बहुत एक्सप्लोजिवली रिएक्ट करते हैं और एयर के साथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन शो करते हैं और एक्सप्लोड कर जाते हैं, फट जाते हैं। तो इसीलिए इनको हम केरोसिन में स्टोर करते हैं। क्या लेमन पिकल को एल्यूमिनियम के यूटेंसिल में डाला जा सकता है? नाउ इसके लिए आपको ख्याल होना चाहिए कि लेमन जो नींबू होता है इट इज़ एन एसिड और एल्यूमिनियम इज अ मेटल। और हमने पढ़ा था कि एल्यूमिनियम को जब भी आप किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगा और एक सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। तो इस वजह से कभी भी किसी एसिड को किसी मेटल में ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए, स्टोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट विल रिएक्ट विद इट, राइट। तो हमें नहीं करना चाहिए यहाँ पर इसको स्टोर। दूसरी चीज़ अब देखते हैं, गोल्ड, गोल्ड का काम है ज्वेलरी बनाना, राइट। आयरन से हम मशीनरी बनाते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड। एल्यूमिनियम जो होता है वो बहुत मैलेबल होता है तो वो एल्यूमिनियम फॉइल बनाने के काम आता है जिसमें हम खाने को रैप कर सकते हैं। कार्बन हमारा नॉन मेटल है और कार्बन से फ्यूल बना सकते हैं, जैसे कि कार्बन से कोयला बनता है और पेट्रोलियम बनता है। कॉपर से इलेक्ट्रिक वायर बनती है बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मरकरी एक लिक्विड मेटल है जो थर्मोमीटर में इस्तेमाल होता है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को अगर आप देखें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को अगर आप कॉपर प्लेट में डालेंगे तो क्या होगा? तो आपको रिएक्शन मालूम है, कॉपर प्लस H2SO4 बनना चाहिए हमारा कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस हमारी निकलनी चाहिए और कॉपर सल्फेट हमारा बनना चाहिए। बट ज़्यादातर कॉपर बहुत कम रिएक्टिव है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यूजुअली रिएक्ट कम करता है। आयरन नेल्स को अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा? दिस इज़ योर आयरन और ये है आपका कॉपर सल्फेट। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो आयरन जो है वो हमारे ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर के कंपैरिजन में। तो जब आप आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा ये जो आयरन है ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, हिला देगा इसको इसकी जगह में और इसकी जगह ले लेगा टू फॉर्म आयरन सल्फेट एंड कॉपर फॉर्म करता है, राइट। सलोनी ने एक चारकोल, जलता हुआ चारकोल लिया, चारकोल इज कार्बन, कार्बन को उसने जलाया तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। जो गैस निकली थी उस गैस का नेचर कैसे ढूंढेंगे? तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप पानी में रिएक्ट करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो आपके पास कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3। और ये कार्बोनिक एसिड H2CO3 इट इज़ एन एसिड। ये एसिड है तो ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, इट विल कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड। तो इससे हमें पता चलता है कि ये एसिड है।
तो अनंत लास्ट क्वेश्चन इज कि रीटा एक दिन ज्वेलरी शॉप में अपनी मदर के साथ जाती हैं। उसकी मदर ओल्ड ज्वेलरी गोल्ड स्मिथ को देती हैं पॉलिश करने के लिए। नेक्स्ट डे जब वो जाते हैं तो पता चलता है कि ज्वेलरी का वेट थोड़ा कम हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जब आप ज्वेलरी को क्लीन करने के लिए जाते हैं तो ज़्यादातर गोल्ड ज्वेलरी को हम केमिकली ट्रीट करते हैं, जिसके वजह से उसका मास कम हो जाता है। सम ऑफ द गोल्ड कैन रिएक्ट केमिकली एंड उसका वेट उससे कम हो जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे। इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।